जब बात देश की आवाम की होगी तब बात हिंदुस्तान की होगी। नमस्कार, मैं जिब्रान जरार खान। आज देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, आज प्रधान सेवक नए ही अंदाज में नजर आए। कभी वो कवि बने तो कभी वो शायर बने, लेकिन आज अपने 100 मिनट से भी ज्यादा के भाषण में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, मोदी ने आज अपना भाषण जब शुरू किया तो विपक्षी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह भी ट्रेलर है, गांधी अभी बाकी। इस पर नरेंद्र मोदी ने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया, जिसके बाद संसद में खूब ठहाके लगने लगे। आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी है। लेकिन असल बात तो तब सामने आई जब नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। दरअसल कल दिल्ली में एक विधानसभा चुनावी रैली में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ कहा। आइए सुनते हैं, आपको सुनाते हैं कि क्या कहा था राहुल गांधी ने, जिसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने उसका क्या मजेदार जवाब भी दिया था। मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो सुना आपने कि किस तरह से राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को कहा कि युवा उनकी कमर पर डंडे मारेंगे। अब बारी थी पलटवार की, और ऐसे में भला प्रधान सेवक कैसे पीछे रहने वाले थे। आज सदन में सुनिए राहुल गांधी के इस बयान पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जिसके बाद पक्ष पूरे सदन में विपक्ष को घेरने लगा। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं, तो 6 महीने का समय तो अच्छा है। लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दो। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़े ही सीरियस होकर विपक्ष को कहा कि हम अगर आपके रास्ते पर चलते तो ये सब नहीं हो पाता, यानी 370, 3 तलाक और भी कई चीजें। आइए सुनते हैं कि क्या कहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में कई अंदाज दिखे, जिसमें एक बार वो कवि भी बन गए और कविता पढ़ते हुए दिखाई दिए। जरा सुनिए कि प्रधानमंत्री ने सर्वेश्वर दयाल की कविता पढ़कर क्या कहा। लीक पर वो चले, लीक पर वे चले, जिनके चरण दुर्बल
और हारे हैं, जिनके चरम दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पथ ही प्यारे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट का जिक्र करते हुए जब नरेंद्र मोदी ने अधीर रंजन चौधरी को कहा थैंक यू यानी धन्यवाद, तो सदन में सब हंसने लगे। माननीय अधीर जी को देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू की जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अधीर जी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। वे भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। तो ये फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये सब बातें तो थी जो आज सदन में प्रधानमंत्री ने की, लेकिन इसके अलावा एक बात तो जरूर गौर करने वाली है कि जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में नेताओं की जुबान फिसली है, वो वाकई अजीब है और परेशानी की बात भी है। फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान हो या फिर कपिल मिश्रा का, प्रवेश वर्मा का, लेकिन पीछे कोई नहीं है। कल राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी को कुछ ऐसा कहा जो शायद देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहा जाए। बहरहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रदर्शन का आखिरी दिन है आज और सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को है। पंजाब केसरी की टीम आपको मतदान वाले दिन दिल्ली की विभिन्न विधानसभा सीट पर लाइव लेकर जाएगी और वहां की जनता से हम बात करेंगे। दिल्ली चुनाव की पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी में और देखते रहिए punjabkesari.com। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग punjabkesari.com।